हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUTC AIR कट ऑफ ऑफ लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक से जो AUTC की कट ऑफ थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पे है, क्योंकि सिर्फ थर्ड राउंड में AUTC ने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नहीं किया था। और ST कैटेगरी में तो लास्ट ईयर आई गेस कोई सीट वेकेंट नहीं थी, क्योंकि इसका डाटा मुझे नहीं मिला है। बाकी कैटेगरीज में भी काफ़ी कम कम सीट्स ऑल इंडिया रैंक के थ्रू मिली है। बाकी 85% का डाटा जब मिलेगा आई विल अपडेट। और रिमेनिंग जितनी भी सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरी वाइज रैंक गई है वो जनरल कैटेगरी की जो रैंक है वो 23,792 है, क्लोजिंग रैंक 25,381, EWS की 28,305, और क्लोजिंग रैंक कुछ है ही नहीं क्योंकि एक ही सीट लास्ट ईयर थी EWS की। OBC कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक 26,297, ओपनिंग रैंक 24,967, और SC कैटेगरी में 1,31,689। इतनी लिमिटेड सीट्स इसलिए थी क्योंकि फर्स्ट टू राउंड्स में पार्टिसिपेशन नहीं था, तो इस साल ये रैंक डिफर करेगी क्योंकि फर्स्ट राउंड से ही ऑल इंडिया सीट्स फिल होंगी और काफ़ी ज़्यादा रैंक में डिफरेंस आ सकता है। बाकी 85% का डेटा आई विल ट्राई टू कंक्लूड इन नेक्स्ट वीडियो। और इतने ही रैंक की अप्रॉक्स में कॉलेज इस साल भी मिल जाता है, लाइक 23 से 25-30 हज़ार इतना ही डिफर होगा, तो उतने में आराम से मिल जाएगा और सीट्स बढ़ेंगी। जितना लास्ट ईयर थी उससे काफ़ी ज़्यादा सीट का बोल रहे हैं इंक्रीज होगा, तो अपटेक सीट्स का काफ़ी अच्छा रहेगा, तो काफ़ी बेनिफिट होगा जिन स्टूडेंट्स को ये वाला कॉलेज प्रेफरेबली लेना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़।